खबर है सिद्धार्थनगर से। विकासखंड जोगिया की ग्राम पंचायत करौंदा मसीना के करौंदा जिले डीहा तथा मदुरा में बाढ़ की त्रासदी झेलते हुए लगभग 4 दिन बीत चुका है। अब पानी का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन घटता जलस्तर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बीमार न करे उसकी आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता दिखाई है। आज ग्राम प्रधान प्रभु दयाल यादव की अगुवाई में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करौंदा मसीना की स्वास्थ्य टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाके में बाढ़ के दौरान फैलने वाले बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया तथा सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं बीमारियों को दवा वितरण की तथा जल शुद्धिकरण गोली क्लोरीन की दवाएं बांटी। संक्रमण के रोग के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। CHO शारदा रावत, CHO माड़वी मिश्रा के साथ आशा रीता फर्स्ट, आशा रीता सेकेंड, आशा सुशीला जी ने करौंदा मसीना बाढ़ प्रभावित सभी टोलों पर एक एक घर जाकर बीमारियों के प्रति जागरूक किया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए देखिए सुचित वर्मा की रिपोर्ट। इंद्रपुरी करौंदा मसीना, यहाँ पे बाढ़ बहुत तेज है। बहुत तेज है। कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या बहुत है, लेकिन अब प्रधान के द्वारा व्यवस्था मिला है। ट्रैक्टर लागा वही से आवाज आवा जाता है। खान पीन अपने घरे सब बना खा लेता है। पानी कमर से ऊपर भरा है। धान सब डूब गया होगा। कुछ नहीं हुई खेते में, कुछ नहीं। सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था चाहिए, पैसा कौड़ी मिले। हाँ, खेते में कुछ नहीं हुई, कुल बही गए तो कहाँ बाय, कुछ नहीं बाय। हर जगह धान नहीं पैदा होगा, कुछ नहीं, सर चुका। हाँ तो क्या हुई? शासन और प्रशासन अपनी जगह पे है, लेकिन एक ग्राम प्रधान होने के नाते सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि हमारे यहाँ जो, क्योंकि आंशिक रूप से हमारा गांव बाढ़ प्रभावित है, जिन जिन टोलों पे हमारे यहाँ बाढ़ ज़्यादा है उन टोलों के किसानों को सबसे पहले उनकी फसलों का मुआवजा मिल जाए। इसके अलावा क्योंकि बाढ़ हटते ही कुछ बीमारियाँ जो है आनी शुरू हो जाएंगी, उन बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए कि गाँव में एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग ये हो जाए। साथ ही जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो पानी में भीग गए, बड़े बुजुर्ग भी भीगते रहे हैं, इसलिए जो है जो संभावित बीमारी है जैसे सर्दी जुकाम बुखार जैसी सामान्य बीमारियां हैं, इन सभी की दवाएं वितरित हो जाए, जिससे कम से कम ग्राम सभा के सभी लोग स्वस्थ रहें और उनके फसलों का मुआवजा मुख्य चीज़ जो है उसको शामिल कर लिया जाए। इससे मेरे द्वारा दवा वितरण का जो कैंप कराया गया, ये जो सारी टीम है करौंदा मसीना की ही टीम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। तो पेशेंट को निकलने में बाहर दिक्कत हो रही है, जबकि उनको बीमारियाँ हो चुकी हैं, सर्दी जुकाम बुखार और खुजली जिससे बीमारियाँ हो चुकी हैं। तो हमने डोर टू डोर जाकर आशा जो है हमारी आशाओं के सहयोग से, इसके अलावा जो हमारी CHO हैं उनके सहयोग से डोर टू डोर जाके सबको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। हमने जल जनित जो बीमारियां हैं उसके बारे में जागरूक करना, साथ ही जो है क्लोरीन की गोली देना जिससे कम से कम शुद्ध पानी, उनके नलों का पानी शुद्ध हो जाए और जो बीमारियां हैं सर्दी जुकाम बुखार उसकी दवा मिल जाए उनको। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अभी बाढ़ का माहौल चल रहा है, गाँव में जगह जगह पर पानी भर गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो गांव के लोग हैं वो बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं, और जो आर्थिक रूप से जो खान पान की चीज़ें वो भी सारी चीज़ें अभी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो चुकी है, और आने जाने की व्यवस्था भी नहीं है। अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं तो जो बीमारियां भी, जैसे ज़्यादातर बुखार खांसी जुकाम के लोग, ज़्यादातर लोग अभी ग्रसित हैं इन सब चीज़ों से। तो हमारे विभाग से यहाँ पर गाँव में जो बाढ़ क्षेत्र एरिया है वहाँ पर हम लोग दवाइयाँ बाँट रहे हैं ताकि उन्हें उन बीमारियों से राहत मिल सके। जी, प्रधान जी के द्वारा व्यवस्था किया गया है ट्रैक्टर का और भी साधनों का, जिनके द्वारा हम यहाँ गांव के अंदर आ रहे हैं पानी के अंदर से होकर। गांव में आपको कौन से मरीज मिल रहे हैं ज्यादा? जी देखिए, अभी तो सबसे ज्यादा जो मरीज मिल रहे हैं हमें वो बुखार खांसी जुकाम के ही मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो सेकेंड पे ये मिल रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें खांसी की शिकायत ज्यादा है, बुखार कम लेकिन खांसी की शिकायत ज्यादा है, और घुटनों के दर्द और कमर दर्द, वीकनेस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो सलाह यही है उन लोगों से कि गर्म पानी अच्छे से उबालें, पीने के लिए पानी अच्छे से उबालें, उसको छान के ढक के रखें और उसी का ही सेवन करें, बाकी साफ सफाई से खाना वगैरह वो खाएं, बाकी जो से हो सकता है जो भी सेवाएं हम दे सकते हैं वो सारी सेवाएं हम प्रधान जी के द्वारा साथ में हम लोग